किसान भाइयों, भारत में ट्रैक्टर्स डीजल के साथ ही इलेक्ट्रिक और सीएनजी पर चलने लगे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है। हाल ही में इंडियन रेलवे ने भी कहा है कि वो हाइड्रोजन पावर्ड रेलवे पर काम कर रही है। ह्यूंडई को अपनी हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार नेक्सो को इंडिया में अप्रूवल मिल चुका है, तो भविष्य में अगर ट्रैक्टर्स भी आपको हाइड्रोजन या फिर मीथेन गैस पर चलते हुए दिखे तो इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं होगी। तो आज के इस मॉडिफाइड वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोजन और मीथेन पावर्ड ट्रैक्टर्स के बारे में, जो दूसरे देशों में सक्सेसफुली जुताई कर रहे हैं और जल्दी आपको भारतीय बाजारों में भी देखने को मिल सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोजन पावर्ड, मीथेन पावर्ड और एक अलग तरीके के इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के बारे में। ट्रैक्टर इंजिन में डिटेल में जाने से पहले दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको पता नहीं हो तो बता दें कि हाइड्रोजन पर कार्स, ट्रक्स, ट्रेन्स ऑलरेडी बाकी देशों में चल रही है और हाइड्रोजन पर ट्रैक्टर भी अब चलने लगा है। न्यू हॉलैंड का H2 ड्यूअल पावर ट्रैक्टर इसी का एक एग्जाम्पल है। ये ट्रैक्टर हाइड्रोजन के साथ ही डीजल पर भी चलता है। अब जो लोग हाइड्रोजन एज अ फ्यूल के बारे में नहीं जानते, उनके लिए हम ये सिस्टम एक्सप्लेन करते हैं। हाइड्रोजन गैस के रूप में ट्रैक्टर में या फिर कार में भरा जाता है, जैसे हम CNG प्रयोग करते हैं। अब इस ट्रैक्टर के अंदर लगे हुए है फ्यूल सेल। नॉर्मल अपनी जैसी बैटरीज होती है वैसी बैटरीज है। अब ये बैटरीज हाइड्रोजन के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शंस तैयार करती है, जिससे तैयार होती है इलेक्ट्रिसिटी, और इस इलेक्ट्रिसिटी से ट्रैक्टर में जो मोटर्स लगी है वो चलती है और उससे चलता है ट्रैक्टर। तो बेसिकली ये एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर ही आप कह सकते हैं, लेकिन ये चल रहा है हाइड्रोजन पावर से। यानी आपको इसके लिए घंटों चार्ज पर रखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा फ्यूल स्टेशन पर जाइए, वहां पर हाइड्रोजन भरवाइए और आपका ट्रैक्टर तैयार है खेत में काम करने के लिए। और न्यू हॉलैंड में इसने ड्यूअल फ्यूल सिस्टम दिया है, यानी आप इस ट्रैक्टर में हाइड्रोजन के साथ ही डीजल भी डलवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये काफी इकोनॉमिकल ऑप्शन हो जाएगा हमारे किसान भाइयों के लिए। न्यू हॉलैंड H2 ड्यूअल पावर में आपको दो मोटर्स ऑफर होती है। एक मोटर से आपका पूरा ट्रैक्टर यानी व्हील्स चलते हैं और एक मोटर दी गई है PTO ऑपरेशंस के लिए। इस ट्रैक्टर के साथ आप वो सारे इम्प्लीमेंट्स चला सकते हो जो आप एक डीजल ट्रैक्टर के साथ चलाना चाहते हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा, तो ये ट्रैक्टर तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की जैसा ही है, लेकिन हम हाइड्रोजन भरवाने कहाँ जाए? हमारे यहाँ तो अभी CNG भी नहीं मिल रहा है। ये तो आप सभी जानते हैं कि जब CNG नया आया था तो उसके बारे में कई सारी अफवाहें थी, जैसे कि कार में टैंक कौन लगवाएगा, उससे दुर्घटना हो सकती है और कई सारी चीजें। लेकिन अगर आप आज CNG कार्स की सेल्स देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि CNG कार्स कितनी इकोनॉमिकल साबित हो रही है। तो अगर कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि ये जो CNG ट्रैक्टर्स है या फिर हाइड्रोजन ट्रैक्टर्स है ये चलने नहीं वाले, तो शायद अगले 10 सालों में हम गलत साबित हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाला ट्रैक्टर है ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर से बेहतर क्यों है। तो उसका सबसे बड़ा फायदा है चार्ज टाइम। अगर आप इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लेते हैं तो वो चार्ज होने में तकरीबन 6-8 घंटे लेता है, और उस पर भी वो ज्यादा से ज्यादा 4-5 घंटे काम करेगा हेवी वर्क पर। लेकिन अगर आपके पास हाइड्रोजन पावर ट्रैक्टर है तो आप हाइड्रोजन के सहारे ज्यादा देर तक काम कर सकते हो। आपको ट्रैक्टर को चार्जिंग पर नहीं लगाना है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कन्वेंशनल डीजल इंजिन के मुकाबले हाइड्रोजन पावर्ड इंजिन 50% ज्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीरो इमिशन, यानी हाइड्रोजन पावर ट्रैक्टर किसी भी प्रकार की गैस को इमिट नहीं करते, यानी पर्यावरण को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंच रही है। तो किसान भाइयों, अब टेक्नोलॉजी यहाँ तक ही सीमित नहीं रही है, ट्रैक्टर्स अब मीथेन पावर पर भी चलने लगे है। मीथेन पावर को देसी भाषा में बोले तो गाय के गोबर से जो चूल्हे जलते थे वही सिस्टम अपनाया गया है ट्रैक्टर में भी, लेकिन काफी एडवांस तरीके से। न्यू हॉलैंड T6 दुनिया का पहला मीथेन ऑपरेटेड कमर्शियली सेल होने वाला ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर पूरी तरीके से मीथेन गैस पर चलता है। जी हाँ, मीथेन गैस कैसे प्रोड्यूस होता है इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है 145 हॉर्स पावर का 6 सिलेंडर इंजिन, 6728 क्यूबिक कैपेसिटी, 2200 रेटेड RPM, 740 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और क्या चाहिए आपको एक ट्रैक्टर में। हालांकि ये ट्रैक्टर फिलहाल यूरोपियन कंट्रीज में काफी ज्यादा बेचा जा रहा है। इस ट्रैक्टर को हमने सबसे पहली बार देखा था
एग्री टेक्निया 2019 में। तो हाल ही में जो खबर आई है तो 2021 के फरवरी महीने में ये ट्रैक्टर पूरी तरीके से तैयार है और यूरोपियन कंट्रीज में ये ट्रैक्टर अभी बेचा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसी ट्रैक्टर के डीजल वेरिएंट के मुकाबले इस ट्रैक्टर में 30% ज्यादा एफिशिएंसी दी गई है। वैसे आपको एक मजे की बात बताऊं, इस ट्रैक्टर के हिच को आप मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। जी हाँ, कमाल की बात है ये टेक्नोलॉजी। अगर इंडिया में आ जाए तो क्या आप इसे खरीदना पसंद करेंगे, कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताना। तो चलिए अब आपको अवगत कराते हैं जॉन डियर के एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर से, जॉन डियर ग्रिडकॉन। जब बात चल रही हो टेक्नोलॉजी की और जॉन डियर का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। अब जॉन डियर ग्रिडकॉन जो है वो तो है इलेक्ट्रिक, लेकिन कुछ अलग किस्म का इलेक्ट्रिक है जिसकी बात हम करेंगे आगे। जॉन डियर ग्रिडकॉन देता है 400 हॉर्स पावर की ताकत। जी हाँ, जॉन डियर ने एक नया कंसेप्ट लाया है जिसमें ट्रैक्टर को इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई दी जाती है स्टेशनरी पावर सोर्स से। यानी कि जैसे हम मिल्किंग मशीन्स वगैरह डायरेक्टली पावर सप्लाई पर चलाते हैं, वैसे ही हम पूरा का पूरा ट्रैक्टर चलाएंगे, वो भी 400 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक पावर पर। ट्रैक्टर के आगे एक स्पिंडल लगा हुआ है जिस पर 1 किलोमीटर लेंथ की केबल है जो 300 किलोवाट का पावर सप्लाई करती है ट्रैक्टर को, जिसमें से 100 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर पर खर्च होता है जो ट्रैक्टर के इंजन के जैसा काम करती है और 200 किलोवाट इंप्लीमेंट ऑपरेशंस के लिए रखे हुए है। जॉन डियर ग्रिडकॉन ट्रैक्टर में 700 वोल्ट का डीसी इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो 85% की इफिशियंसी देता है। अगर हम नॉर्मल इंजिन यानी इंटरनल कम्बशन इंजिन की भी बात करते हैं तो इतनी इफिशियंसी आपको देखने को नहीं मिलती। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये केवल ट्रैक्टर के बीच आ गई तो भैया जॉन डियर ने इसमें लगाई है रोबोटिक हैंड गाइडेंस सिस्टम जो वायर को ट्रैक्टर के वर्किंग एरिया में बिल्कुल भी आने नहीं देता। अब हैरानी की बात यह है कि डीजल पावर्ड 400 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर और जॉन डियर ग्रिडकॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर दोनों के वेट में 50% का फर्क है। यानी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लगभग 50% ज्यादा हल्का है। यानी कि जॉन डियर ट्रैक्टर का राजा तो है ही, लेकिन टेक्नोलॉजी का बादशाह डेफिनेटली है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि हाइड्रोजन पावर्ड मीथेन पावर्ड ट्रैक्टर को जानकर आपको काफी खुशी हो गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको एक काम करना है, नीचे लाइक कर देना है और कमेंट में हमें बताना है कि क्या भविष्य में आप मीथेन या फिर हाइड्रोजन पावर ट्रैक्टर खरीदना पसंद करेंगे या फिर आपको पसंद है अपना डीजल ट्रैक्टर ही। मॉडिफाइड थॉट पर हम ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियोस लाते रहते हैं। तो अगर आप भी शौकीन हैं ट्रैक्टर वीडियोस के तो अभी दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन ताकि आपके पास पहुंचे हर ट्रैक्टर वीडियो सबसे पहले। जल्दी मिलेंगे एक और जानकारीपूर्ण वीडियो में। जय हिंद।